और रांची से रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। झारखंड एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, संगठित अपराधिक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आईजी ऑपरेशन और डीआईजी ने जानकारी दी है। पिछले 15 दिनों के दौरान 230 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अलग अलग गिरोह से जुड़े 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रांची से बड़ी खबर है। झारखंड एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आईजी ऑपरेशन और डीआईजी ने जानकारी दी है कि पिछले 15 दिनों के दौरान 230 ठिकानों पर छापेमारी हुई है और अलग अलग गिरोह से जुड़े हुए 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जो भी आपराधिक गिरोह है, संगठित आपराधिक गिरोह है, उससे संबंधित जो भी अपराधी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए एवं अपराध की रोकथाम हेतु आवश्यक सभी कार्रवाई और कदम उठाए जाए। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रांची पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और इसमें जो श्री सुभाष मुंडा जी का जो मर्डर हुआ था नकड़ी थाना अंतर्गत धलाधरी चौक पर, उसमें उस ब्लाइंड केस का बहुत ही एक्सीलेंट उद्भेदन रांची पुलिस की टीम के द्वारा किया गया है। उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी को क्लियर किया गया कि किस प्रकार से जमीन के विवाद में छोटू खलको नाम के एक व्यक्ति ने, जो खुद भी जमीन के बिजनेस में संलिप्त है, उसने इस घटना को अंजाम दिलवाया था। इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग कल की गई है और बाकी जो लोग हैं शूटर्स जो उसमें हैं उनके लिए भी स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, झारखंड एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है, किन किन जगहों पर छापेमारी हुई है और इससे जुड़ा क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर विदिन अगर हम 15 डेज की अगर बात करें तो लगातार एटीएस को काफी सफलता मिल रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में एटीएस कार्रवाई करते हुए लगभग 230 ठिकानों पर छापा मारी थी। इसमें कई लोगों को एटीएस ने रैकी करके उठाया था और कई लोगों से पूछताछ चल रही है और लगभग दर्जनों लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। जाहिर सी बात, ये तमाम जो लोग हैं अलग अलग संगठनों से, यानी आपराधिक संगठनों से ये तमाम लोग हैं। और जिस तरह से हाल के दिनों में जो क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है, उन क्राइम के ग्राफ को देखते हुए आपने देखा कि सीएम भी संज्ञान लिए थे, सीएम ने भी झारखंड के डीजीपी को फटकार भी लगाया था कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसमें उससे कहीं ना कहीं दुरुस्त करे ताकि आए दिन जिस तरह से जो घटनाएं घट रही है उस घटना में रोकथाम हो। हालांकि देखिए, एटीएस की एक अलग विंग है और उस विंग के तहत लगातार कई सफलताएं भी हाल के दिनों में मिली है। आपने देखा कि एटीएस की तरफ से लगभग आधे दर्जन से भी ज्यादा जो आपराधिक गैंग है उनमें वो कार्रवाई करते हुए लगभग 200 से भी ज्यादा लोगों को भी गिरफ्तार किया था। कई लोग पर मुकदमाएं चल रही हैं। तो कुल मिलाकर आज एटीएस और झारखंड पुलिस की एक संयुक्त प्रेस वार्ता थी और हाल के दिनों में जो उपलब्धियां हैं उन तमाम उपलब्धियों को गिराने का काम किया है। ठीक है, ठीक है सूरज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी।